मुन्ना खान साहब, जी माहौल ठीक चले मुझे लगता है ये भी कांग्रेस को बहुत समझ पसंद नहीं आता। अब इस बात का कोई गुणा गणित किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अयोध्या में मंदिर का लोकार्पण होना है 5 महीना के भीतर, ठीक। तब उस वक्त ये कहना कि अयोध्या का फैसला गलत था और मंदिर के लोकार्पण के बाद देश को जाना है लोकसभा चुनाव में और राहुल गांधी को लड़ना है अमेठी के बगल से चुनाव, अमेठी अरे अयोध्या के पास से नहीं, ये ऐसा दिव्य ज्ञान अचानक से कहां से आ जाता है? नहीं जी मुन्ना खान साहब जी, सवाल ये है कि उनके ये व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माने उच्च न्यायालय पे कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकता, कोई सवालिया निशान लगाना भी नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो कोर्ट के फैसले थे वो सभी जात सभी समुदाय को मान्य थे, तो मैं समझता हूँ अभी इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए और पार्टी आला हाई कमान के तरफ से ये बातें नहीं होती है कि किसी भी उच्च न्यायालय पे या किसी जाति पे किसी समुदाय पे आप कोई बात रखते हैं, उसका व्यक्तिगत हो सकता है। दूसरी बात, अगर सवाल रही जो देश में आजकल माहौल चल रहा है उस पर, तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से देश में माहौल चल रहा है, किस तरीके से आज भाईचारगी बिगड़ रही है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, हिंदू को मुस्लिम से, शमशान को कब्रिस्तान से, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से, किस तरीके की जलील आपके पुराने नेता, आपके एक मिनट मुन्ना खान रुकिए, एक मिनट, आपके भूतपूर्व नेता बड़े नेता वो शहनवाज आलम नहीं, वो बड़े नेता थे गुलाम नबी साहब, वो कह रहे हैं कि कोई दूसरा है ही नहीं भाई, जब इस्लाम को पैदा हुए 1500 साल हुए और हिंदुस्तान में आए तो और भी कम समय हुआ, तो बोले सब कन्वर्टेड है, पहले सब हिंदू ही थे, फिर झगड़ा किस बात का, फिर काय का बंटवारा? मुन्ना खान नहीं, आप लोग गुलाम नबी आजाद साहब की बात क्यों नहीं मान लेते? आ रहा हूं। जी देखिए, वो हमारे भूतपूर्व नेता थे, है नहीं, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, अभी वो बेरोजगार है तो बेरोजगारों को कुछ ना कुछ रोजगार चाहिए, तो इसलिए वो बेवहियात की बातें अब वो छेड़ रहे हैं। बात यहाँ, अगर वो समझदारी की बात करते, 52 साल का उनका राजनीतिक करियर रहा है गुलाम नबी आजाद का, वो खुद एक्सेप्ट करें कि मैं 52 साल से राजनीति में हूँ, समाज सेवा में हूँ, तो उसे अभी समाज की बात करना चाहिए, समाज के हित की बात करना चाहिए, युवा के रोजगार की बात। मुन्ना खान अभी रुकना होगा, मैं बाकी मेहमानों को भी बहस, अभी रुक जाओ भाई, बाकी मेहमानों को भी बहस मिल जाओ। ये कांग्रेस की बड़ी बीमारी है, हम बोलेंगे दूसरा नहीं बोलेगा, दूसरा बोलेगा तो हम कहेंगे ये शमशान कब्रिस्तान कर रहे हैं, हम बोलेंगे तो हम कहेंगे कि हम अकलियत के हक में खड़े हैं, दूसरा बोले मनोज पंडित बोले शमशान कब्रिस्तान कर रहे हो, शहनवाज आलम बोले जिंदाबाद मेरे लाल, अटारी चढ़ के नारा लगा है, बोले दूसरा यतीमा बोले देखो कम्युनल सांप्रदायिक लोग, ऐसे नहीं होता, इसीलिए 440 में आ गया मामला। अब बताओ, खैर कांग्रेस ने कहा गुलाम नबी हमारे भूतपूर्व नेता थे, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि गुलाम नबी ने जो कुछ कहा उसका मतलब सरल भाषा में ये मौर्य जी बता रहे कि जो मुस्लिम है वो भूतपूर्व हिंदू है और जो इस वक्त हिंदू है, मौर्य जी ने कहा वो अभूतपूर्व हिंदू है क्योंकि वो तलवार के आगे झुके नहीं। यतिमा, ये व्याख्या भी ठीक है फिर तो?